लोगों ने हैदराबाद में आके ऐसा वीडियो बना रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। उत्साह सबका बढ़ रहा है और यहाँ की गवर्नमेंट ने पहली बार यूपी और बिहार वाले का ताकत को पहचानी है, जहाँ से 45 प्लेस में यहाँ पे मतलब जगह पे दी पूजा करने के लिए 45 प्लेस। यस, बहुत ही एक रिकॉर्ड बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स, 45 प्लेस में छठ पूजा ऑर्गेनाइज हो रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट ने 45 प्लेस में जगह दिया है कि मतलब पूजा आप कर सकते, पहली बार हुआ है, ये बहुत बड़ी यूपी और बिहार वाले की जीत है। अब तक बस कुछ देना चाहेंगे छठ पूजा के शुभ अवसर पे, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? मैसेज कुछ देना चाहिए? उत्तर प्रदेश। यूपी कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बनारस से। क्या बात है, हम भी वहीं के बाजू के रहने वाला सिवान से। चलिए, छठ पूजा का फील अच्छा लग रहा है, पहली बार हो रहा है या? नहीं, बहुत बार आ चुके हैं। बहुत बार आ चुके हैं, क्या बात है, हमने तो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो लोगों को भी दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ का लोकेशन कैसा है और यहाँ का छठ पर्व कैसा मनाया जा रहा है। लोकेशन थोड़ा दिखा दीजिए भैया, इतना शानदार फील हो रहा है, शानदार सा लोकेशन, बेहतरीन लोकेशन, बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक फील हो रहा है। इतना तो एक्साइटेड, अपने गाँव से भी ज़्यादा एक्साइटेडमेंट मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू। छठी मैया के, छठी मैया के। छठ पूजा, छठ पूजा के एंडिंग का समय है, आज लास्ट डे है और सुबह के मॉर्निंग के 4 बजे के समय में अभी हम यहाँ पर उपस्थित हैं हैदराबाद के पान धरती के इस रायदुर्गम प्लेस पे, गच्चीबोली एरिया में जो आता है हाईटेक सिटी लोकेशन, और यहाँ पर बहुत ही शानदार भव्य तरीके से जो सजाया गया है और जो सजाने वाले बहुत वर्षों से इन लोगों की टीम और इनके जो मुखिया है उनसे हम कुछ बात करने वाले हैं, कैसे उन लोगों ने सालों साल मेहनत करते आए हैं इस छठ पूजा के पावन पर्व पर डेकोरेशन करने के लिए और कैसे उनका ऑर्गेनाइज किए हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जी सर नमस्कार। नमस्कार। हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा। सर, आप सुनते आया हूँ कि काफ़ी समय से अच्छा खासा आप लोग धानुकता टीम के माध्यम से जो सजाए हैं, काफ़ी सालों से मेहनत करते हैं, कितने सालों से लगभग करते हैं? हम यहाँ पे हैदराबाद में 2004 में आए, जब से हम लोग बंजारा हिल्स में कर रहे थे, तो बंजारा हिल्स में कंजेस्टेड होने की वजह से हम यहाँ पे 2013 से कंटिन्यू कर रहे हैं और हम अखिल भारतीय धानु एकता महासंघ तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष, मेरा नाम राजन है, और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी टीम है, शत्रुन भैया है, फकीर भैया है, मोहन भैया है, ये हमारे चाचा जी हैं, सब लोग का बहुत ही सहयोग रहा है हमारे साथ में, और हम अपने बिहार झारखंड और यूपी वासियों को मैं यहाँ से सेवा करने का काम करता हूँ,
हूँ, समाज सेवा करता हूँ और आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप हमसे स्पीच ले रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा मेरा कर्म है, एक सोशल वर्कर हूँ, एज ए सोशल वर्कर ऐसे वैसे से मेरा मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता हूँ और इस छठ पूजा के पावन अवसर पर मैं हमेशा तो गाँव पर चले जाता हूँ, लेकिन इस साल जो कि हैदराबाद की सिटी में और यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ मिलकर जो छठ पूजा ऑर्गेनाइज जो अटेंड कर रहा हूँ और जो मुझे खुशी मिल रही है, दिल गदगद हो गया, इतना मज़ा घर पे भी नहीं आएगा जितना आप लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पर किया इतने वर्षों से करके रहा, तो पहली बार आए हैं, लेकिन आप लोगों ने जो इतने सालों से करके यहाँ पर हैदराबाद सिटी में जो मना रहे हैं छठ पूजा, बहुत ही वाकई में दिल गदगद हो गया। और कुछ मैसेज देना चाहे तो दे सकते। धन्यवाद सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉन्ड है मलकम चेरू पॉन्ड है नियर बाय गच्ची बोली राय दुर्गम नियर बाय, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे यूपी बिहार झारखंड के जितने भी छठ पर्व करने वाले अर्घ के आदमी हैं सबको हम आमंत्रित करते हैं, आए यहाँ पूजा दे के पूजा करें, समुद्र जल के हम लोग सदैव उन लोग के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। दिवाली के नेक्स्ट डे से हम यहाँ ही पे रहते हैं, यहाँ से हम कहीं नहीं जाते हैं, 6 दिन का मेरा 24 आवर्स मेरा वर्किंग रहता है यहाँ, क्लीनिंग से लेकर के जितना भी चीज़ डिक्लोशन देख रहे हैं सारा चीज़ ये हमारे अखिल भारतीय धर्म एकता महासंघ की ओर से हम लोग करते हैं और सारे आदमी को हम लोग कोई चीज़ का मतलब फूड से लेकर के स्टे से लेकर के एवरीथिंग जो भी होता है पॉसिबल हम लोग 100% करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके टीम को और मेरी तरफ से मेरी टीम से तरफ से आपके टीम को बहुत दिल से शुक्रिया, और इतना अच्छा शानदार लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर छठ पूजा देखने के लिए आए हैं, और यहाँ पर सबसे बेहतरीन है कि यहाँ से तेलंगाना गवर्नमेंट के माध्यम से लेटरिन बाथरूम का जो व्हीकल होता है वो भी अवेलेबल करवाया गया, खाने का भी इंतजाम करवाया गया, रहने वगैरह का भी इंतजाम करवाया गया, बहुत वाकई में बहुत ही शानदार यहाँ पर व्यवस्था किया गया था। और भी आपके माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहते दे सकते हैं। ये मैं फकीर मंडल अखिल भारतीय धानुक एकता संघ का महा सलाहकार हूँ और छठ पूजा का उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को नमन करता हूँ और हम अपने देश के सुख शांति के लिए पूजा करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति बना रहे और समाज जिंदाबाद रहेगा तो हम भी जिंदाबाद रहेंगे। जी जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से शुक्रिया। और अंकल जी काफी समय से कल दिन भर साथ में वर्क किए, बहुत काफी मेहनत किया, इनके लिए जोरदार तालियां, थैंक यू जी। जी सर, आपको कैसा लग रहा है पर्व? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये हमारा हैदराबाद तेलंगाना में और बिहार का ये पर्व है और हम लोग यहाँ पे मिलजुल के पूरे बिहार यूपी झारखंड के सब आदमी मिलकर इतने प्यार से धूमधाम से पूजा करते हैं, बहुत ही खुशी का बात है और आगे इससे भी अच्छा होगा। चलो धन्यवाद जी जी, बहुत काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत किया, सुनते आया हूँ और देखते भी आया हूँ, और मेहनत कैसा लग रहा है, रंग लाया नहीं लाया? ये हमारा हर साल का काम है, ये हमारा राजन जी का एक जिम्मेदारी है जो कैसे भी करके कुछ भी होके ये काम होगा ही तो होगा, जब तक हम लोग रहेंगे होगा ही होगा, खाने तो जरूर होगा और छठी भैया का देने तो बिल्कुल ही होगा। छठी भैया के छठ पूजा के पावन पर्व पे आप सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा लास्ट दिन है और सुबह का समय हो चुका है, लगभग गेट लीडर उनसे मिलाने जा रहे हैं, वो अपने बारे में बताएंगे यहाँ का कैसा लग रहा है उनको और कैसा फील कर पा रहे हैं। सर कैसा फील कर पा रहे हैं? देखिए छठी मैया को तो बहुत अच्छा लगा हमको, यहाँ पर के आ करके बहुत अच्छा लगा, गुड लगा कि ऐसे हर साल हम लोग यहाँ पे आते रहे और सबसे हर एक इंसान से हर जगह के आदमी यहाँ पे आ रहे, सबसे मुलाकात इससे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। छठ मैया की जय हो जी। और कुछ मैसेज? मैसेज देखिए साहब, जैसे हम लोग यहाँ पे भी छठ पूजा का मना रहे, ऐसे हमारे यूपी बिहार के भी लोग बहुत धूमधाम से भी मनाते हैं, हम लोग तो हैदराबाद में आकर के बहुत अच्छे पूजा पाठ कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट में मना रहे हैं और यहाँ पर लग रहा है कि घर से भी ज्यादा बेहतरीन माहौल फील हो रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जी। हाँ दोस्तों नमस्कार, और छठ पूजा के शुभ अवसर पे हैप्पी छठ पूजा, छठी मैया की जय। और देख सकते हैं यहाँ पर जो छठ व्रत करते हैं सारे लोग, अभी सुबह से जो सूरज भगवान निकलते हैं उससे पहले ही
पानी में चले जाते हैं, जब तक सूर्य भगवान नहीं आएंगे नहीं निकलेंगे तब तक वो अर्घ नहीं दे सकते हैं। अभी लगभग आई थिंक 4:30-5 बज रहा है, अभी से उन लोग पानी में जा चुके हैं और वेट कर रहे हैं कब सूर्य भगवान निकल जाए। लेकिन कुछ ही समय मिनटों में कुछ ही चंद घंटों, मिनटों तो नहीं चंद घंटों लगेगा, क्योंकि छठ पूजा के पावन पर्व पे आप सभी लोगों को अटेंड कर सकते हैं। देखिए और यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारा, भव्य नज़ारा, और हमारे टीम को मिलाने वाले हैं बस कुछ ही समय में, मेरी टीम और मेरे कुछ कलीग्स फ्रेंड्स जो भी हैं सारे लोगों से मिलाने वाला हूँ टीम, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी समय के बाद ही हमारी टीमों से मुलाकात हो रही है। हाय, कैसे हो? बस, और हम सभी लोगों से छठी मैया के ये छठ पर्व कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। रिकॉर्डिंग किया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुआ, आज यहाँ के कुछ बच्चों से मुलाकात करने वाला, इन लोगों के एक्साइटमेंट कैसा देखना चाह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं आप सभी लोग भी देखिए छठी मैया के। थैंक यू वेश और लॉक, आप सब लोगों को कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आपको? अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा। कुछ मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं सर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे गांव में बहुत ज्यादा भीड़ भड़का है, यहाँ भी पता चला हमारा गाँव ही है, ये इतना दूर आके भी लग रहा है कि हम हैदराबाद में अपना गाँव बसाए हुए। क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ का मोमेंटम काफी बेहतरीन दिख रहा है, बेहतरीन नजारा लग रहा है, काफी ऐसा शानदार सा लग रहा है, और आज विदाई के वक्त है, और कल शाम को जो आए थे हमने तो शाम को काफी बेस्ट था, लेकिन आज जो सुबह की नज़ारा है उससे भी कई ज़्यादा बेटर है और बेस्ट है। यहाँ के कितने बेहतरीन नज़ारा के साथ यहाँ पर दिखा सकते हैं। भैया, आप यहाँ के लोकेशन जो है दिखा दीजिए, लोग भी देखें कि आउट स्टेट में भी छठ पूजा, छठ पर्व कैसे मनाया जाता है, और यहाँ पर भी कैसे धूमधड़ाके के साथ, इंजॉयमेंट के साथ लोग इंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं छठ पर्व के पावन पर्व पे। थैंक यू वेस्ट क्लॉक, मिस यू, धन्यवाद। और कैसे हैं जी? हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा। चलिए, थैंक यू। हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करने वाले हैं, और यहाँ के बच्चों को एक्साइटमेंट देखने के साथ साथ आपको कैसा नज़ारा फील हुआ सर? बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए सूर्य उगने का टाइम हुआ है, और यहाँ पे भी माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब थोड़े इधर में सूर्य जी महाराज जी जब उग जाएंगे, यहाँ पे सब अर्घ दे करके सब अपने अपने घर लोग जाएंगे, जो भी है चाय पानी नाश्ता खाना खाएंगे, बहुत परिश्रम करके छठ मैया का व्रत करते हैं लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे देख ले एकदम गाँव हमारा हैदराबाद में अच्छा इतना व्यवस्था हो के बहुत खुश हो गए, मस्त ऐसे हर जगह व्यवस्था हो जाए, इतना साफ सुथरा एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है देख। जी जी, छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। छठी मैया लखनऊ से जी। मैडम, आप गोरखपुर?
योगी जी के इलाका से क्या बात है, हम भी वही बाजू का रहने वाला सिवान से जी जी लखनऊ मैडम आपको कैसा लग रहा है छठ पूजा? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है हम लोग गांव में आए हैं। यहाँ पर लग रहा है बहुत मस्त लग रहा है अभी तो। पहले पूरे टीम के में आए थे मिल रहे हैं? हाँ पूरे टीम है हमारे, शाम को आए थे, उससे अभी कई गुना अच्छा लग रहा है, पूरा भीड़ हो गया है घाट पे। जी जी जी, आने का मौका नहीं मिलता तो हम लोग छठ मनाने के लिए यहीं आते हैं, और मतलब यहाँ आने के बाद इतना जरूर होता है जो हम लोग को मतलब ऐसा मतलब घर नहीं जाता, घर का फीलिंग नहीं आता। हाँ थोड़ा कम हो जाता है, आता तो है बट थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ हमने भी घर ही जाके मनाते हैं, लेकिन इस साल पहली बार छठ पूजा यहाँ पर मना रहे हैं और बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही अच्छा शानदार सा लोकेशन है। सर आपको कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, शानदार, पूरा दिल गदगद हो गया कि बहुत सारे स्टेट के लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत सारे मतलब कब से यहाँ पे आ रहे हैं? हमने पहले साल आ रहा है और इस पहली बार आया हूँ, ये पांचवा बार हम आ रहे हैं यहाँ पे। हम यही रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। कहाँ से हैं सर? बिहार। बिहार कौन से डिस्ट्रिक्ट? जमुई। क्या बात है सर, आप? हम भी बिहार से, सीतामढ़ी। और छठ पूजा पहली बार आ रहे हैं आप? इसके पहले आ चुके हैं आप? नहीं नहीं, यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं। यहाँ पहली बार आ रहे हैं? हाँ। कैसा लग रहा है नज़ारा सर आपको? बस पहली बार फैमिली से दूर है, लेकिन लग नहीं रहा है कि फैमिली से दूर है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुझे भी पहली बार आया हूँ और मुझे भी नहीं लग रहा है फैमिली से दूर हूँ, क्योंकि एक सारी परिवार अपनी इतना एक्साइटेड हो। मैं सिवान बिहार से हूँ सर।